हेलो दोस्तों, नए साल में आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए ब्लॉग में हम लोग आ चुके हैं पिकनिक मनाने। पीछे देख सकते हैं आप, जो सारा व्यवस्था है हमारा वो चल रहा है। सारा जो है खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर बनाई जा रही हैं। इसी दौरान हमको यहाँ पर एक बीच मिला, देख सकते हैं आप यहाँ पर, और ये ज़िंदा है, बिल्कुल बिल्कुल ज़िंदा है। मैं इसे अभी आपको पकड़ करके दिखाऊंगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर इसको, देखिए देख सकते हैं। और ये जंगली बीच है, काफी जहरीला होता है। आ जाओ। और ये बीच जो है हमारे एक जो साथी आए थे उनको मार भी दिया है, लेकिन उनका कहलाम है कि उनको बीच जो है नहीं चढ़ता है। ठीक है, उनको दिखाएंगे भी आपको। उनको बीच मार भी दिया है लेकिन उनको चढ़ता नहीं। आगे का प्रोग्राम देखते रहिए और एडवेंचर सारा नेचर का जो प्रकृतिक है, इधर सामने में नदी है, सब कुछ दिखाएंगे इस वीडियो में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, मजा आने वाला है। तो एक पर हांडी चढ़ा गया, तो कैसे चढ़ा दी हांडी? उस पर चढ़ गया, मतलब फैल गया। अरे मट्टी मत ना कर, इधर छोटी भी पड़े थे। पानी देखिए आप, अतुरा कुछ बोलिए है? कुछ बोलिए। ना ना ना, वैसे चलता है भाई, रिकॉर्डिंग बाद में करते हैं। पानी जो है ना पूरा पहले तीर रहा है। हमें नहीं होगा बाबू, तो इधर अभी हड़िया धोने का काम चल रहा है। हम लोग को भी थोड़ा ले लिए, इधर भी ले लीजिए, इधर भी ले लेना। मटका धोने का काम चल रहा है और इसमें बनेगा हांडी मटन। पापड़ बनेगा, हांडी मटन। हांडी मटन। अरे ज्यादा मत करो, पैसा डाले ना यार, आदमी ना हो। 300 रुपए डाले हो दिए, फोन कर दे साहब के, दे दे। तो पानी है, पानी फ्रेश है। हम तो खोपचा में, खोपचा में बोलो कि पिकनिक में ही माने कब आ रहा है? चल हां सही से फिर है। वे रही का हो चल फोक इधर ही। सुपर रानी, सुपर रानी। ए जुबेर भाई, मेरा साथ घूमने के लिए कह रहे हैं डॉक्टर, इसको कहते हैं। अरे साला बिदुरिया में सुनाई था, बाद में फोन कीजिए ना। तो आवाज हो इस टाइम, बाद में हो इस टाइम। जान रहा लड़का सब। अभी मुल्ली में थोड़ा सा के लिए तैयारी हो रहा है। और ये जो है कचूमर थोड़ी बनेगा, सलाद ना बनेगा इसका। सलाद में कचूमर बोला जाता है। हाँ, तो इधर झारखंड में इसको कचूमर बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसको सलाद बोलते हैं। सलाद के लिए तैयारी हो रहा है। तो खाली मूली आया इसमें? नहीं, सब है। टमाटर प्याज सब, टमाटर प्याज सब है। गाजर, टमाटर प्याज गाजर, हमारे प्रिंस भाई हैं, सट्टा मार रहे हैं। आता उता कभी लो ना घुमा के या बोलने ले उन छोटे भाई दिन दही मूल्य हिसाब करे बेटा। ना दो दीजिए सर, एक जनवरी 2024 को पिकनिक के दौरान 5 किलो आटा सानते हुए, ठीक ना ले? मैंने भी जांच कहा, मैंने भी हॉस्पिटल। एक बार सब चीज काटता है का, और अगर बात फिर चलो काट रहा है यार, किलो काटना है। जीव बुला दम बने ले हलाई, एक ही में हो गया चलो छोड़ दे, हो गया। पिता उता मत बना देना, अब तारीख से सरकार बना ना। देखो हरा मिर्च का क्या होता है? काट नहीं, काट इसे तीखा नहीं। हरा मिर्च कितना डाल दीजिए कोई फर्क नहीं है, लाल मिर्च नुकसान करता है। यहां तो सब ओवरजी है, हरा मिर्च कितनी कम में डालिए, हरा जितना डालना है डालिए, कोई नुकसान नहीं है। का लाल भाई गरम हो रहा है, लाल होता है, लाल नुकसान करता है। ना बाबर तू तो पूछना जा रहा है, देखिए अभी पहाड़ों पर हम लोग पिकनिक मनाते हुए और चिकन का मसाला तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर इनको बीच मार दिया है, लेकिन इनको चढ़वे नहीं करता है। बीच पहाड़ी बीच मार दिया है, पहाड़ी बीच भी मार दिया, उसका काटा भी नोच के फेंक दिया, काटा भी नोच के फेंक दिया हाथ से। अब देखिए सबसे बड़ा बात है ये सांप भी जितना भी आपका काटता है उसका इलाज करा करते हैं। अच्छा, इसीलिए शायद इनको नहीं, इनको पता है। अच्छा ठीक है, इसलिए इनको नहीं चढ़ रहा। हम लोग काट देगा तो पता है, अभी हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। चलिए, और इधर देखिए अभी प्याज इसमें फ्राई करते हुए
प्याज इसमें डाला जा चुका है, तो क्या क्या तैयारी है, कैसे बना रहे हैं चिकन? अच्छा, चिकन का ग्रेवी अभी बन रहा है, और चिकन का ग्रेवी बनने के बाद फिर उसमें क्या क्या डाला जाएगा? इसमें डाला जाएगा अभी मसाला। अच्छा, अदरक। अच्छा अच्छा, प्याज डाला गया है। अच्छा, प्याज अभी डाला जा चुका है। उसके बाद लिट्टी बनेगा। लिट्टी बनेगा एकदम गोईठा पर वाला। अच्छा, गोईठा पर वाला। गोईठा पर वाला में खास बात क्या होता है? गोईठा पर वाला बड़ा नाम सुने हैं। गोईठा पर वाला लिट्टी जो होता है ना, अच्छा, एकदम शुद्ध होता है। अच्छा, सोना लगता है। शुद्ध होता है, सोना लगता है। और बड़े अच्छे वाइब के साथ जंगलों के बीचों बीच देखिए बनाते हुए सारे लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग जो है उधर थोड़ा सा आपको दिखा दे रहे हैं। हाँ, देखिए आग लगा रही है। इसका एक अलग ही मजा है। जिंदगी में कभी कभी जो है अपने लिए भी जीना चाहिए। अब आते हैं उधर से, फिर आप लोगों को दिखाते हैं इधर का नज़ारा। रुकिए, हम लोग पिकनिक मनाने आए हुए थे सुपारानी, और ये काफ़ी फेमस यहाँ का डैम है। इसमें जब नावा में पानी नहीं हुआ करता था, तो इसमें जितने नावा के लोग हैं इसमें नहाने आते थे। जेंट्स भी आते थे, लेडीज़ भी आती थी, लेकिन अब चूंकि पानी की समस्या दूर हो चुकी है, तो यहाँ पर देखिए लोगों ने अब गंदगी भी कर दिया है। तो काफ़ी बेहतरीन जगह है, काफ़ी एडवेंचर है यहाँ पर, काफ़ी सुकून मिलता है। ऐसे जगह पर आया हूँ जहाँ से चारों तरफ पहाड़ों का वाइब है, और हम लोग उधर देख सकते हैं आप पिकनिक मना रहे हैं, तो थोड़ा सोचा आप लोगों को ये डैम का नज़ारा भी दिखा दूँ। और पीछे पानी देख सकते हैं, काफ़ी माहौल जो है अच्छा लग रहा है, अंदर से काफ़ी उल्लास आ रहा है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, और जितने भी हमारे तैयारियाँ हो रही हैं पीछे वो सब चीज़ हम दिखाएंगे, और बनाने में क्या क्या खाने में बन रहा है वो सारा चीज़ हम दिखाएंगे, बने रहिए। फ्रेंड्स, अभी हम लोग थोड़ा सा घूमने आ गए इस जंगल में, और सुपा रानी का एक खूबसूरत लोकेशन जहाँ चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ हरियाली, पहाड़ों के समीप बीचों बीच आप देख सकते हैं। काफ़ी मनमोहक जगह है और काफ़ी शांति जगह है। यहाँ पर आकर के मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मन को एक अलग सी शांति मिलती है। तो ये जगह का क्या नाम हुआ प्रिंस भाई? सुपा रानी। इस जगह का नाम है सुपा रानी का एक खूबसूरत जगह, सबसे खूबसूरत जगह जहाँ पर लोग आकर एंजॉय करते हैं, घूमते हैं। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर पिकनिक भी मना रहे हैं। तो चलिए बने रहिए, और इधर देख सकते हैं आप बैक साइड में कुछ कुछ घर भी है। तो यहाँ पर कौन लोग रहते हैं? इधर लाइन वाइन का व्यवस्था भी है? हाँ, लाइन वाइन का सबका व्यवस्था है इधर, पूरा पोल घरे घर लाइट पोल घर। तो इस गाँव का नाम क्या हुआ? इस गाँव का नाम आपका वही सुपारानी। सुपारानी। तो बने रहिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग माहौल है, और वीडियो में आगे कंटिन्यू देखते रहिए। अभी नहीं बनाल, अक्का बक्का मत हो। देखिए चिकन जो है पूरी तरह से अभी तैयार होने की कगार पर है, और देख सकते हैं अभी इसमें कितना समय लगेगा। पाँच मिनट के बाद जो है हमारा चिकन जो है रेडी हो जाएगा। बाकी इधर आप देख पा रहे होंगे, इधर इसको कहते हैं खाने के लिए काफ़ी है, ये गोईठा की लिट्टी है। गोईठा पर इंगोरा बना करके फिर उसमें लिट्टी रखा जाता है, और इसमें जो सेकाई होता है उसका स्वाद जो है बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो इसका भी हम अभी जब बन जाएगा उसके बाद आपको बताएंगे स्वाद कैसा होता है। जंगल वाला पार्टी है, और लिट्टी देख सकते हैं स्वाद जो है काफ़ी बढ़िया इसका आ रहा है। मौसम में अच्छी इसकी कमी है कि ऊपर से जो लेप लगता है घी का वो नहीं लगाया गया है, लेप नहीं है, बाकी सब कुछ है। खाने में टेस्ट जो है बढ़िया लग रहा है। और इधर डैम का पानी में हम लोग ने हंडी वगैरह धोया ही है, तो अभी चिकन हंडी की तैयारी चल रही है। बने रहिए इस वीडियो में, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग आगे ब्लॉग होने वाला है। चिकन हंडी का तैयारी हो रहा है, और उधर वाला सारा चिकन मटन जो है और प्याज, अरे ज्यादा तो पीछे देख रहा है, पीछे वाली जगह लगाओ, पीछे वाला वो वाला वो करना चाहिए। इसी में नहाएगा है, डला रहा है, डला रहा है।
मटन को आपको थोड़ा देर छोड़ देना है इसमें, ताकि सारा मसाला जो है इसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद इसको फिर हांडी में डाल के पकाने के लिए रखा जाएगा। हमारा लिट्टी और मुर्गा यहाँ पर रेडी है। अब इसको स्वाद जो है लेते हैं, उसके बाद बताते हैं इसका जाएगा। बहुत अच्छा है, सही में खा कर देखिए आप। चिकन का स्वाद भी काफी बढ़िया है, मजा आ गया भाई साहब। इसमें बताइए कैसा लगा? ठीक लग रहा है। चलिए अभी स्वाद मस्त है, मटन हांडी बनता है, फिर उसके स्वाद हम आपको बताते हैं। कोई गालियों ना बक दे रहा है। मतलब एजुकेशन चैनल थोड़ा ना चला रहता है। देखो एजुकेशनल बनावे से पहले गाना गावे, गाली गावे साइलेंट कर दीजिएगा उस टाइम। ओके गाली देता है। देखो एजुकेशनल बनाता है तो पहले गाना कहते आता है, ओकरा बाद अपना स्टार्ट करेगा। आटा पुला लगाया जा रहा है इसमें अभी, गैस निकल और ऊपर से भी कुछ लगना है इसमें। हाँ ना तो गैस नहीं निकल पाएगा। हॉल मार दीजिए और क्या, काटी सादा चावल है, सादे चावल जो है ठीक लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, इधर चावल की तैयारी हो रही है और उधर मटन हांडी जो है वो आग पर रख दिया गया है। और इधर हमारे भाई साहब और उधर जितने भी सारे फ्रेंड्स आए हैं सब यहाँ पर देख सकते हैं। टीनू भाई वगैरह सब है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के चम्मच ऐसा देखिए ना, सटा नहीं है ना। बैठो भाई, ये वाला स्टेप वाला वीडियो या हो कि ना पलटी करे चलो लेते जाइए। खाना परोसा जा रहा है भाई साहब। इधर देखिए मंटू भाई हमारे चावल निकाल रहे हैं और उधर मटन निकाल रहे हैं। और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग 2024। उम्मीद करते हैं कि आप सबों का भी बहुत अच्छा बीता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चालू हो गया 2024 हम लोगों का बहुत ही बढ़िया शानदार गया, अच्छा गया। हम लोग यहाँ पर आए हुए थे झारखंड में, सुपारानी। तो अभी हम लोगों ने यहाँ एंजॉय किया लिट्टी, उसके बाद मुर्गे का, और उसके बाद हम लोगों का अभी मटन का प्रोग्राम है। मटन भी तैयार हो चुका है, हांडी मटन आप लोगों ने देखा। और यहाँ पर चावल भी बन चुका है, बनाए हैं सारा चीज़ विधि व्यवस्था ही काफ़ी बढ़िया बनाए हैं, काफ़ी लोग तारीफ कर रहे हैं। तो बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारे जो है हमारे सेठ जो है देखिए वहाँ खाना चला रहे हैं। सेठ वहाँ मैनेजमेंटर का ही है ना, जो मैनेजमेंटर है पूरा जो है हमारे जो है मेन आदमी यही है। अच्छा अच्छा, यही खाना चावल निकालते हुए मंटू भाई, मंटू भाई चावल कुमार है,
कुमार है उनका शादी। ठीक है, सुबह का समय है, हमको क्रेडिट तो मिली, सुबह का समय है, आप क्रेडिट किया, मेन क्रेडिट जो है इनको चाहिए, क्रेडिट दीजिए, पूरा मैनेजमेंट को संभाले। और काफी बढ़िया लगा, काफी मजा आया, काफी आनंद आया, वीआईपी सुपर सुपर और स्वाद भी आज चलिए जस्ट बन गया है ना। चलिए मंटू भाई एक बार गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। रामुल भाई जो है वो गुड मॉर्निंग ले चुके हैं। अच्छा, गुड मॉर्निंग एक्चुअली हुआ नहीं था, लेट से गुड मॉर्निंग उनका हुआ, तो वो गुड मॉर्निंग करने के बाद काफी मूड में लग रहे हैं। मटन और चावल देखिए ये कितना अच्छा चावल बना है, सलाद बहुत बढ़िया, अभी खा के बताते हैं हम उसका जो स्वाद है वो कैसा है। हाँ, साढ़े भाई के ले रहे हैं, थोड़ा सा उनका भी ले लिया है। साढ़े भाई के ये क्या दीजिए। अच्छा अच्छा, ये देखिए हमारे साढ़ू भाई हैं, कुछ बोलना चाहेंगे जी? नहीं नहीं नहीं, वो मोबाइल पर व्यस्त हैं, गंजी का हार है। चलिए हो गया इतना कर।